स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन के बारे में कुछ और भी पढ़ने वाले हैं। आपने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था प्रोनाउन क्या होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की पोजीशन में आ जाते हैं, जो कि नाउन को रिप्लेस करके उनकी जगह में आ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, सीता इज अ गर्ल। ठीक है, सीता lives in Satna. Sita is 10 years old. ठीक है, यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है सीता इज़ अ गर्ल, सीता लिव्स इन सतना, सीता इज़ 10 years old. तो अगर हम ये बार बार ऐसे बोल रहे हैं कि सीता इज़ अ गर्ल, सीता लिव्स इन सतना, सीता इज़ 10 years old, तो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा है। बार बार सीता सीता वर्ड आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस सीता को हटा कर उसकी जगह में क्या लिख देंगे, एक प्रोनाउन का यूज़ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सीता एक नाउन है, हमने एक बार बात कर ली ना, यहाँ पर हमने सीता लिख लिया, मतलब हमें सेंटेंस क्लियर है कि हम सीता की ही बात कर रहे हैं। ये जो सीता नाउन है, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह में जो वर्ड आ जाएगा वो है शी। ठीक है, ये जो शी है वो क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को रिप्लेस करके उसकी प्लेस में आ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम तीन प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, ही, शी और इट। ठीक है, सबसे पहले हम ही की बात करते हैं। तो बेटा, जब भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा या हमारा जो नाउन होगा वो एक लड़का होगा, बॉय होगा, तो उसकी जगह पे हम जो नेमिंग पार्ट होगा उसको हटा के क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक सेंटेंस है, राम इज़ अ बॉय, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, राम एक लड़का है, राम बहुत इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर राम इज़ अ बॉय, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो हमने एक बार राम लिख दिया, राम क्लियर है कि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, राम इज़ अ बॉय, है ना। फिर जब हम दोबारा इसके लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउन, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की प्लेस में आ जाते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा जो नाउन होगा वो एक लड़का होगा, तो उसकी जगह पे जो प्रोनाउन आएगा वो होगा ही। ठीक है, एक और बेटा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आशुतोष प्लेस क्रिकेट। ठीक है, फिर ऑल्सो प्लेस हॉकी। आशुतोष जो है वो क्रिकेट खेलता है और डैश ऑल्सो प्लेस हॉकी, वो हॉकी भी खेलता है ना। आशुतोष हॉकी भी खेलता है, ये हम दोबारा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक बार हमने क्लियर कर दिया कि आशुतोष की बात कर रहे हैं, तो अब इस आशुतोष की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, ही ऑल्सो प्लेस हॉकी। क्लियर है? अब हम चलते हैं शी की ओर। जिस तरीके से अगर लड़के की बात की जाए तो ही का यूज़ होता है, अगर गर्ल की बात की जाए तो किसका यूज़ होता है? शी का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, रुचि इज़ अ गर्ल। रुचि एक लड़की है, तो जाहिर सी बात है रुचि लड़की है, हम लड़की की बात कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे जो प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा? शी आएगा। ठीक है, शी लिव्स इन सतना। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम रुचि इज़ अ गर्ल, हमने एक बार रुचि लिख दिया, अब हम रुचि की जगह क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हम चलते हैं, मतलब जब भी लड़के की बात आए सेंटेंस में, नाउन हमारा बॉय होगा तो ही लिखेंगे, अगर नाउन हमारा गर्ल होगा तो शी लिखेंगे। अब हम चलते हैं इट। ठीक है, इट जो होता है वो किसी एनिमल या किसी थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग के लिए, या फिर एनिमल्स के लिए इट का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, द मिल्कमैन काउ वॉज सैड सैड इन द
middle of the road. ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, द मिल्क मैन्स काउ वॉज सैड डैश सैट इन द मिडल ऑफ द रोड. मिल्क मैन की जो काउ थी वो उदास थी, तो वो उदास होकर रोड के बीच में बैठ गई. ठीक है, काउ की बात कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर जो काउ है वो एक एनिमल है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा. ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल. द चेयर इज इन द रूम. Is made up of wood. इसका क्या मतलब है कि जो चेयर है वो रूम में रखी है और वो किसकी बनी हुई है, लकड़ी की. तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, चेयर की बात कर रहे हैं ना. तो चेयर एक नॉन लिविंग थिंग है, तो अगर कोई भी थिंग, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग या एनिमल आता है तो उसकी जगह पे हम इट का यूज़ करते हैं. ठीक है, आई होप आपको अब क्लियर होगा. ही का यूज़ करेंगे बॉयज़ के केस में, शी का यूज़ करेंगे इन केस ऑफ गर्ल्स, एंड इट का यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ के लिए या फिर किसी एनिमल को रिप्लेस करने के लिए. ओके, तो मैंने आपको एक वर्कशीट दी हुई है, इसी के बेसिस पे उसको सॉल्व करिए. थैंक यू.